ये खूबसूरत शहर जिसे आप अभी देख रहे हैं, ये है हुआहिन, जहाँ एक तरफ नीला समंदर है तो दूसरी तरफ हरियाली और पहाड़। ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत ही कम जगह पर हमें देखने को मिलता है। ये छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत सा नया टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो आजकल थाईलैंड में बहुत पॉपुलर है हर तरह के टूरिस्ट के बीच में। आज के इस एपिसोड में मैं आपको हुआहिन के 8 अलग अलग अट्रैक्शंस की शेयर कराऊंगा। स्वागत है आप सबका, ये है कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया एपिसोड नंबर 18 थाईलैंड सीरीज। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा, उस जगह का नाम है वात खाओ तक्याप, ये है अट्रैक्शन 1। इस जगह जाने का रास्ता बहुत आसान है, सिर्फ 7 किलोमीटर यानी 1.5 घंटे का रास्ता है अगर आप वॉक करके जाएंगे हुआहिन बीच से। हम भी यहाँ वॉक करके ही पहुँचे। दूसरा किनारा जहाँ पर यह है वहाँ से नज़ारे कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको। ये सीढ़ियाँ आपको लेकर के जाएंगी गोल्डन बुद्धा की तरफ और ये है एंट्री गेट वात खाओ तक्याप का। पीसफुल जगह है, अगर आप हुआहिन शहर के एरियाज़ को देखना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। बीच पर वॉक करते करते आप यहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी जगह जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो है गोल्डन बुद्धा, सिर्फ 450 मीटर 5 मिनट का वॉक और आप पहुँच जाएंगे यहाँ। खूबसूरत जगह है ये भी, इसकी बहुत मान्यता है हमारे बौद्ध धर्म में। एक और खूबसूरत नज़ारा दिखेगा आपको बीच का और आसपास की जगह का। यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा अगला टूरिस्ट अट्रैक्शन जिसका नाम है राजा भक्ति पार्क, यह है अट्रैक्शन नंबर 3। राजा भक्ति पार्क अट्रैक्शन नंबर 3 जाने के लिए आप 10 बाट में ले सकते हैं पिकअप, या फिर अगर आपने 800 बाट में हायर किया है स्कूटी तो वो लेकर के भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। दूरी है 7 किलोमीटर। जैसे कि नाम से आपको जाहिर हो रहा होगा राजा भक्ति पार्क, तो ये भी कहीं राजाओं की भक्ति या वर्शिप के लिए बनाया गया है, उनकी महिमा को इन बड़े स्टैचू के रूप में दिखाया गया है। जैसे आप यहाँ से निकलेंगे तो वापस आप जा सकते हैं हुआहिन बीच और वहाँ से निकल सकते हैं अगले लोकेशन के लिए, या आप जाइए हुआहिन रेलवे स्टेशन, ये है अट्रैक्शन नंबर 4। ये है बाहर का नज़ारा हुआहिन रेलवे स्टेशन का, ये जो बोगी आपको नज़र आ रही है इसके अंदर बनाया गया है रेस्टोरेंट जहाँ आप बैठकर किताबें पढ़ सकते हैं और खाना खा सकते हैं। ये है खूबसूरत व्यू हुआहिन रेलवे स्टेशन का। छोटा रेलवे स्टेशन है, कुछ ही ट्रेन यहाँ से निकलती है और ये वो रूट है जो आपको थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर तक लेकर जाएगा। हुआहिन बीच जिसके बारे में एक पूरा एपिसोड है एपिसोड नंबर 17 फ्रॉम थाईलैंड सीरीज, पूरी जानकारी के लिए। टेक्निकली यू आर वॉकिंग ऑन द बीच हुआहिन बीच फ्रॉम हुआलापांग, दैट स्टेशन ट्रेन स्टेशन देयर इन बैंकॉक। चलिए टाइम हो चला है अगले अट्रैक्शन की तरफ बढ़ने का, ये है एक और मंदिर जिसकी मान्यता है हाई कल्चर में, नाम है वात वाय मैंगकॉल। वात वाय मैंगकॉल 18 किलोमीटर दूर है हुआहिन रेलवे स्टेशन से। ये मशहूर है एक बहुत बड़े स्टैचू के लिए, यहाँ पर ये बड़ा स्टैचू है और उसके सामने एक एलिफेंट स्टैचू है जिसके बारे में मान्यता है कि लोग यहाँ आकर अगर आशीर्वाद लेते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
वक्त हो चला है अगले टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ बढ़ने का। वात हुआ मैंग्रोव से आप वापस जा सकते हैं राजा भक्ति पार्क होते हुए, या सीधे आप राजा भक्ति पार्क से पहुंच जाइए सिकाडा मार्केट। सिकाडा मार्केट राजा भक्ति पार्क से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने का सही वक्त है रात में या शाम को। यहाँ पर बहुत सारे थाई फूड और अलग अलग कल्चरल फूड्स के अलग अलग कुजींस के स्टॉल्स मिलेंगे आपको, तो स्ट्रीट फूड खाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म की जाती है, जैसे स्केच मेकिंग और म्यूजिक बैंड परफॉर्म। ये हैपनिंग सी जगह है, दिन भर आप अलग अलग टूरिस्ट अट्रैक्शंस पर घूमिए और शाम को आप सिकाडा मार्केट आ जाइए। ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है, ऑल इन वन प्लेस है किसी भी तरह की शॉपिंग के लिए, फूड और एंटरटेनमेंट। अब मैं आपको ले चलूंगा अगली अट्रैक्शन की तरफ जो है विलेज मार्केट शॉपिंग मॉल, नाम पर मत जाइएगा। जैसे हमारे यहाँ पर शॉपिंग मॉल होते हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी शॉपिंग मॉल है, जो 3 किलोमीटर की दूरी पर सिकाडा मार्केट से हम पहुँच जाएंगे विलेज मार्केट शॉपिंग सेंटर। बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, जो लोग शॉपिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये हमारे किसी भी इंडिया के शॉपिंग मॉल जैसा ही एक्सपीरियंस होगा, जहाँ दोनों तरफ शॉप्स हैं, बड़े हॉल्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और एक मूवी थिएटर और रेस्टोरेंट्स, फूड पार्क, सब कुछ एक जगह। दिन में अगर आप बाहर गर्मी महसूस कर रहे हो और चाहते हैं कोई शांत जगह, चाहते हैं कोई एयर कंडीशन स्पेस जहां आप 2-3-4 घंटे का दोपहर का वक्त गुजार सकें, तो ये शानदार ऑप्शन है। अब मैं आपको ले चलूँगा, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था, हुआ इन बीच होस्टल जहां हम रुके थे, मैं उसके बारे में आपको अलग अलग जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो ये एपिसोड के इस हिस्से में मैं आपको ले चलूँगा हुआ इन बीच होस्टल में। ये है सिस्टम, यहाँ पर जो भी आइटम रखी है आप उनमें से किसी भी आइटम को यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है 299 और 399 बाट के टैरिफ में। ये हमें बता रही हैं कि किस तरह से आप चाय बना सकते हैं, ये यहाँ की ऑनर हैं। ये जो सज्जन मेरे पीछे आए हैं, इनका नाम है शाशा, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कंट्री विजिट करने वाले आदमी हैं। इनके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इनका नाम शाशा है। ये जब यहाँ आए थे तो दुबले पतले होते थे, अब ये ऑनर्स कह रही हैं कि खा खा के इनका पेट निकल आया है। आए थे ये कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब पिछले कई महीने से यहीं पर है, 6 महीने हो गए इन्हें यहाँ रहते हुए, ये इस बारे में बता रही हैं। बस जब से यहाँ आया खाते हैं और सोते हैं, यही इनका रूटीन है। इनके सारे गेस्ट ऐसे ही हैं क्योंकि फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। और आप भी अगर हुआ ही बीच होस्टल में आके रुकेंगे तो आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आप घर जैसा माहौल आपको मिलेगा। हम लोग भी जब यहाँ अगले दिन चेकआउट करके वापसी के लिए निकले तो एक ऐसी बॉन्डिंग हमें फील हुई। ये जो खुद को ममा कहती हैं, जो ऑनर हैं, ये बहुत केयरिंग हैं, ख्याल रखती हैं सबका और खाने के लिए बढ़िया बढ़िया ऑप्शन देती हैं। ये है, दिख रहे हो?
स्टाइल आपको अलग नहीं लगता है? छन्नी मतलब कपड़ा नीचे बांध दिया है छन्नी में और उसमें ही चाय पत्ती डाल दी है, बस गर्म पानी डालते जाइए और चाय तैयार हो जाती है। शुगर आपको अलग से ऐड करनी है। यहाँ जो चाय है ये है मेरा ब्रेकफास्ट, वो फ्लेवर टी चिकन विथ थाई रोटी। और ये जो खाना है ये मेरे ऑनर की छोटी पोतियों का है। पोती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जिन्हें आप देख रहे हैं उनकी उम्र 65 साल है और वो ग्रैंड मदर हैं। मैं आपको हॉस्टल की एक सैर कराने वाला हूँ। यहाँ पर ये किचन है जिसमें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कुकिंग कर सकते हैं, जो जो सामान चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। बाहर निकलेंगे तो आपको दिखेगा एक बाथरूम और साथ में वॉशिंग मशीन है जिसमें आप अपने कपड़े धो सकते हैं। ये सभी सर्विसेज एडिशनल चार्जेबल बेसिस पर होती हैं, पर अगर फूड आपके पैकेज में है तो कुकिंग करना, बाहर से सामान लाइए और खाना बनाकर खा लीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं है। ये यहाँ का डॉर्मेट्री है जिसमें बंक बेड लगे हैं। और जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मार्केट शुरू हो जाएगी। तो इस हॉस्टल की लोकेशन बहुत बढ़िया है, 7-Eleven नज़दीक है, वाटर डिस्पेंसर जिसमें आप एक बाठ में 1 लीटर पानी भर सकते हैं वो नज़दीक में है। और ये है यहाँ का रूम टैरिफ, तो हमने प्राइवेट रूम लिया था, हम 3 लोग थे तो 872 baht हमने पे किया था, और जब हमने उसी रूम को कंटिन्यू किया तो हमने सिर्फ 800 baht पे किया, 72 baht का डिस्काउंट। ये हैं वो शॉप्स या स्टॉल्स जहाँ से आप अपने लिए खाना पैक करा सकते हैं। 2 दिन मैं यहाँ रहा तो मैंने अपने लिए लंच और डिनर यहीं से पैक कराया और यहीं खाया। सिर्फ ब्रेकफास्ट हमारे पैकेज में था तो हम ब्रेकफास्ट ही होटल में हॉस्टल में किया करते थे। ये है वाहिन बीच हॉस्टल का आउटसाइड व्यू। और ये है वो लेडी जो यहाँ केयर टेकर का काम करती है। सेम रूम कंटिन्यू कर रहा हूँ जी, 860 की जगह, फ़र्क कितना है, 870 की जगह 800 दिया है मैंने, 800 baht। सेम रूम कंटिन्यू किया जा रहा है। फाइन दोस्त मिल गए। हेलो कल रात में 3 बजे आया था ना तो शूटिंग नहीं कर पाया था, अंधेरा था एकदम, तो अभी ट्रेन आ रही है तो उसको शूट करने के लिए आया है यहाँ पे। अच्छा देखिए किस तरह से मैं अपने लिए खाना चूज करता हूँ। सो देखिए मैं लाया क्या हूँ, मुझे खाना ऑर्डर कर देता हूँ, पता चलता नहीं है कि मैंने क्या ऑर्डर किया। फोटो लगी हुई थी, मैंने बोला ये वाला दे दो, तो उसका जो सूप है वो अलग से पैक किया उसने और ये अलग से। अब ये पता नहीं पनीर है या कुछ और है, पर देखने में तो पनीर जैसा ही लग रहा है। ये वही नूडल्स जो हमेशा होता है। ये एक एग का पीस है, पर एग में रेड क्यों है पता नहीं, कुछ स्टफिंग की होगी। और ये शायद पोर्क मीट या कुछ और पता नहीं भाई, मीट है पर इतना पता है, किस चीज़ का ये नहीं पता, फिका फिका है। I need some spicy chili for this. Chalo.
यहाँ के नाइट मार्केट का सैर कराने का। तो मैं और मेरी छोटी बहन हम अब निकल चुके हैं जाने के लिए हुआहिन नाइट बाज़ार। ये सिकाडा बाज़ार नहीं है जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो हम दोनों गाते हुए गुनगुनाते हुए मार्केट की तरफ निकल चुके हैं। इन गानों को सुनो तो समझ आता है कि साइंस की क्यों वाट लगी पड़ी है। आज तक हम सोचते थे कि भाई सुबह आती है लोगों की ज़िंदगी में क्योंकि सूरज निकलता है, यहाँ लोग आते तो सवेरा लेके आते हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत जल्दी हम मिलेंगे अगली सीरीज में और अगले एपिसोड में। कल हमारा हुआ इन में आखिरी दिन है, तो कैसे हमने ट्रैवल किया, हुआ इन से बैंकॉक, बैंकॉक में हमारा एक दिन और उसके बाद हमारी फ़्लाइट की जर्नी वापस इंडिया के लिए। इस तरह से हमारी थाईलैंड सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड शायद लास्ट एपिसोड होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।